स्टूडेंट टुडे वी सी द रिमेनिंग लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. ओके सो सी द फर्स्ट रिमेनिंग इट इज थर्ड दैट इज द एक्सोर इंस्ट्रक्शन. ओके इन दैट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट परफॉर्म्स द लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स. ओके मीन्स जो भी टू ऑपरेंड्स रहेंगे उसके ऊपर हम लोग एक्सोर ऑपरेशन क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे लॉजिकली. ओके द सेकेंड इट इज़ इफ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर वन देन द आउटपुट्स ऑफ एक्सोर इज वन अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो. ओके ऑड मीन्स अगर वन ज़ीरो रहा या फिर ज़ीरो वन रहा तो इसका आउटपुट क्या रहेगा इट इज़ वन. ओके और अगर सेम इनपुट रहा ज़ीरो ज़ीरो या वन वन तो इसका आउटपुट क्या रहेगा इट इज़ ज़ीरो. ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा है डिजिटल टेक्निक्स में. ओके एक्सोर गेट में सो इन दिस वे वी सी द एक्सोर इंस्ट्रक्शन दैट इज दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सोर इंस्ट्रक्शन. सो सी द फर्स्ट पॉइंट इज इन अबाउ एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ एन सेवन ज़ीरो ये जो कंटेंट है एन सेवन ज़ीरो ये क्या है अपना आर लॉजिकली एक्सोर विद द कंटेंट ऑफ एन सेवन वन मीन्स इट इज़ ए और ये अपना बी है. ओके एंड द रिजल्ट एंड द स्टोर द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन ऑफ मेमोरी एन सेवन टू. ओके जो भी रिजल्ट है हम लोग इसमें सेव करेंगे या स्टोर करेंगे. ओके फॉर एग्जांपल देखते हैं ऑलरेडी जो है एग्जांपल्स हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी देखा है एंड और गेट में. सो हम लोग कंसिडर करते कि ए जो है आपका ये है एन सेवन एस टू ज़ीरो और एन सेवन एस टू वन मीन्स बी जो है आपका ये है कंसिडर कर ली ये बी है आपका कंसिडर किया उन्होंने और ये है आपका और ये जो रिज़ल्ट आया है ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. सो किस पर से निकालेंगे देखो फर्स्ट इनपुट ज़ीरो है यहाँ पे भी ज़ीरो है तो ज़ीरो ज़ीरो का क्या बोला है मैंने आपको दैट इज़ ज़ीरो. ओके मीन्स अगर दोनों भी सेम रहेंगे यहाँ पे ऊपर में ही बताया मैंने कि अगर ऑड रहेंगे ऑड नंबर्स रहेंगे तो वन आएगा. ओके और अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो रहेगा. ओके इस तरह आपको ये सॉल्व करना है मीन्स अगर वन ज़ीरो ज़ीरो वन रहा तो इसका आएगा वन और ज़ीरो ज़ीरो वन वन रहा तो इसका आएगा ज़ीरो. ये आपको याद करके आपको ये याद रख के आपको ये सॉल्व करना है. तो फर्स्ट देखो ज़ीरो ज़ीरो है और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो का आपको पता है क्या आता है ज़ीरो आता है सो ज़ीरो आ गया. नेक्स्ट देखो ज़ीरो है वन है. ओके ज़ीरो वन का क्या आ रहा है वन आ रहा है वाई बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो वन का क्या आता है वन आता है. नेक्स्ट देखो वन 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 है तो ज़ीरो आएगा सो वन वन का क्या है यहाँ पे ज़ीरो आएगा. इस तरह आपको ये डेटा कंसिडर करके रिजल्ट आपको निकालना है. ओके सो जो है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आपका नॉट इंस्ट्रक्शन. ओके नॉट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है दैट इज़ इट हैज़ सिंगल सोर्स एंड परफॉर्म अ लॉजिकल नॉट ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन डेस्टिनेशन मेमोरी. ओके ये क्या रहता है सिंगल सोर्स रहता है मीन्स इनपुट हमेशा सिंगल रहेगा ए. ओके एंड परफॉर्म लॉजिकल नॉट ऑपरेशन एंड स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन मेमोरी आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट. नॉट इंस्ट्रक्शन रिवर्स ऑल द बिट्स इन द सोर्स वर्ल्ड. ओके जो भी नॉट इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्या करेगा जो भी बिट्स है अपने वो रिवर्स करेगा मीन्स वन का ज़ीरो करेगा और ज़ीरो का वन करेगा. ओके सो सी द एग्जांपल ऑफ नॉट फंक्शन. यहाँ पे देखो एक ही क्या दिया है इनपुट है सो हम लोग सोर्स ए कंसिडर करें एन सेवन एस टू ज़ीरो और जो भी रिजल्ट है या डेस्टिनेशन है वो हम लोग एन सेवन एस टू वन में क्या करेंगे स्टोर करेंगे. ओके सो सी द फर्स्ट पॉइंट क्या है इन द अबव एग्जाम्पल नॉट इंस्ट्रक्शन रिवर्सेस ऑल ऑफ द बीट्स इन द सोर्स एन सेवन एस टू ज़ीरो एंड द स्टोर द डेस्टिनेशन इन द मेमरी एन सेवन एस टू वन. ओके अभी एग्जाम्पल देख लेंगे
एग्जाम्पल देखो, सिर्फ एक ही क्या है कंटेंट रहेगा अपना, एक ही कंटेंट रहेगा N7S20 में से, ये अपना सोर्स ये रहेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है नॉट केस में। नॉट इंस्ट्रक्शन अगर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, इस तरह आपको ये बाकी का भी देखना है। ओके, इस तरह आपको जो है नॉट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। ओके, सो सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज़ द क्लियर इंस्ट्रक्शन, CLR, दैट इज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन क्लियर द मेमोरी लोकेशन, ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को क्लियर करता है। इट हैज़ ओनली डेस्टिनेशन वैल्यू विच इज़ क्लियर जीरो। ओके, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या डेस्टिनेशन वैल्यू रहेगी, जो कि क्या करेगी आपका जो है, जो कि मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, क्लियर करेगा जीरो को। ओके, मीन्स जो भी मेमोरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर टू जीरो। ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द शॉर्टन नोटेशन फॉर दिस इंस्ट्रक्शन इज CLR, मीन्स क्लियर को हम लोग क्या नोटेशन करते हैं CLR। ये एग्जाम्पल है क्लियर का, CLR, डेस्टिनेशन डायरेक्टली हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, जो भी मेमोरी उसको क्लियर करके जीरो करके यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर करें N7S20 में। ओके, सो इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट है, इन अबाउ एग्जाम्पल क्लियर इंस्ट्रक्शन विल क्लियर द कंटेंट ऑफ द डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन N7S20 to 0। ओके, जो भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, जो भी कंटेंट है डेस्टिनेशन मेमोरी में वो क्लियर करके, सॉरी, जो भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, कंटेंट क्लियर करके जो भी डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन है दैट इज N7S20 वहाँ पे वो क्या करेगा, जीरो करके स्टोर करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं इफ द कंटेंट N7S20, अगर ये कंटेंट आपका रहा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो रिजल्ट में आपका जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज़ करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा, जो डेस्टिनेशन में स्टोर्ड होगा वो कहाँ क्या होगा, जीरो जीरो। ओके, जहाँ पे भी जीरो है वहाँ तो जीरो ही रहेगा, और जहाँ पे वन है वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, इस तरह आपको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करना है। ओके, सो थैंक यू।